next cubic identity will be used. You have to remember these identities as well as the derivations. The identity is x cube plus y cube plus z cube minus x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus zx minus yz. How you are getting this? This is very simple. If you take right hand side and if you multiply, this results the first is x into plus y into plus z into and open the bracket and cancel out the common terms. Minus y square z minus x y z. Plus z x square z y square z cube minus x y z minus y z square minus z square x. सारी टर्म कैंसल्ड हो जाएंगी, सिर्फ यही टर्म्स बचेंगे. ऑन ऑल द क्वेश्चंस आपको ये स्टेप्स लगाने की जरूरत नहीं है. दिस इज ओनली वन टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट की हाउ यू आर गेटिंग. एक बार समझ लीजिए, जैसे एक्स वाई स्क्वायर है, आप देखेंगे यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर कहीं ना कहीं होना चाहिए था. x ये गलत होगी टर्म, ये टर्म यहां पे जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई आएगा. एक्स वाई स्क्वायर आएगा और ये टर्म इस टर्म से कैंसल हो जाएगा. अगली टर्म एक्स जेड स्क्वायर है, एक्स और जेड स्क्वायर की टर्म भी अगर हम यहाँ ढूंढेंगे x z स्क्वायर, ये टर्म कैंसल हो गई. x स्क्वायर y इस टर्म से कैंसल हो गया. z x स्क्वायर इस टर्म से कैंसल हो गया. y जेड स्क्वायर इस टर्म से कैंसल हो गया.
वाई स्केयर जेड इस टर्म से कैंसल्ड हो गए, तो बाकी के जो बची हुई टर्म्स है वो मैंने लिख दी। मेनली तो आपको फार्मूला लर्न करना जो आपको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें, x प्लस वाई ऊपर हेडिंग आएगा फाइंड द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करें, बट ऐसे नहीं करना, आपने फार्मूला यूज़ कर लेना एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्केयर वाई स्केयर दिस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस टू जेड एक्स। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि आपने इसकी प्रोडक्ट निकालनी है। तो यही स्टेटमेंट्स में थोड़ा सा माइनर मिस्टेक्स हैं, ये एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड होना चाहिए। देखो इसका स्केयर वाई का स्केयर टू जेड का स्केयर माइनस ए बी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इंटू राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ मैं, पहली टर्म का स्केयर प्लस दूसरी टर्म का स्केयर प्लस टू जेड का होल स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सिंप्लीफाई करेंगे तो यही बनेगा, जो ऊपर स्टेटमेंट्स हैं। तो आप इसको अब क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस टू जेड का होल क्यूब लेफ्ट हैंड साइड माइनस थ्री एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो प्रोडक्ट करके इसका आंसर ये आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप सेकंड क्वेश्चंस की बात करें, एक्स वाई जेड टू एक्स का स्केयर है माइनस वाई का स्केयर है थ्री जेड का स्केयर है, तो मतलब सेकंड स्टेप्स को भी पहले तो आप यही लिखेंगे टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री जेड, फिर टू एक्स का स्केयर लिखो प्लस माइनस वाई का स्केयर लिखो प्लस थ्री जेड का स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ए क्यूब आंसर याद रखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एंड जेड। सिंप्लीफाई, एट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ट्वेंटी सेवन जेड क्यूब प्लस थ्री थ्री जा नाइन टू जा एटीन एक्स वाई एंड जेड, ये आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके दोनों साइडों पे चलते हैं। ये अभी मैंने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड करना सिखाया। थर्ड क्वेश्चंस में कुछ उल्टा है। इन क्वेश्चन नंबर थ्री लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, आपने फैक्टराइज करना है। इसको लिखेंगे ए क्यूब, इसको लिखो बी क्यूब मतलब टू बी का होल क्यूब, सिक्सटी फोर का मतलब सी का होल क्यूब। आई एम टेकिंग थर्ड क्वेश्चंस, माइनस थ्री ए बी एंड सी, मतलब ऊपर वाली स्टेटमेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं, 64 सी क्यूब माइनस 24 ए बी सी। अब इसकी फैक्टराइजेशन देखो कैसे होंगी, ए प्लस बी प्लस सी,
इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही फार्मूला याद होना चाहिए। ए प्लस टू बी प्लस फोर सी ए स्केयर प्लस फोर बी स्केयर सिक्सटीन सी स्केयर माइनस टू ए बी माइनस एट बी सी माइनस फोर ए सी, ये इसकी फैक्टराइजेशन होंगी। ऐसी क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, थ्री रूट थ्री ए क्यूब है माइनस बी क्यूब, फाइव रूट फाइव सी क्यूब है, रूट फिफ्टीन इंटू ए बी सी। इसको लिखो पहले, रूट थ्री ए का होल क्यूब प्लस माइनस बी का होल क्यूब प्लस माइनस रूट फाइव का होल क्यूब माइनस थ्री ए इंटू बी इंटू सी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ए बी सी आ जाएगा। फैक्टराइजेशन क्या होगी, रूट थ्री ए माइनस बी माइनस सी। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, फार्मूले को याद रखना चाहिए आपको। माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये ए है ये बी है और ये सी है, दोनों को मल्टीप्लाई, इसलिए प्लस के साथ रखना चाहिए, माइनस साइन अंदर। अब आप सिंप्लीफाई करके आंसर दे सकते हैं। इसको लिखोगे थ्री ए स्केयर प्लस बी स्केयर फाइव सी स्केयर प्लस रूट थ्री ए बी माइनस रूट फाइव बी सी प्लस रूट फिफ्टीन ए सी, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। तो मैंने दोनों करा दिए, लेफ्ट से राइट भी और राइट से लेफ्ट वाला सम भी। अब मैंने जो फार्मूला नंबर टू लिखा है हम उसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं। फार्मूला नंबर टू है कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो, कंडीशंस होगी, मींस अगर जब मैं इसको जीरो रख दूं तो जीरो इंटू दिस क्या हो जाएगा। देखो अगर जब मैं इसको जीरो रख दूं और मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरा आ गया एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। इसका आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, ये आपका आंसर आ गया। कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो। अब क्वेश्चन नंबर फाइव को ध्यान से देखिए, अगर जब मैं x को a माइनस थ्री बी ले लेता हूँ और y को थ्री बी माइनस सी और z को c माइनस ए, तो यहाँ ऐड करो थ्री बी माइनस सी, तो यहाँ से आंसर आपका जीरो आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, ये आपका फार्मूला है। एक्स की क्या वैल्यू है, ए माइनस थ्री बी का होल क्यूब, इसकी थ्री बी माइनस सी का होल क्यूब, सी माइनस ए का होल क्यूब, आंसर विल बी थ्री टाइम्स आर, व्हाट इज एक्स, ए माइनस थ्री बी, व्हाट इज वाई एंड व्हाट इज जेड, तो ये आपका आंसर एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ये ध्यान में रख लो। मीन कोई पूछेगा तो इसका आंसर यही है, आपने सिर्फ इनको ऐड करके देखना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स भी ऐसा ही है, इसकी वैल्यूज निकालनी है जब ये दिया हुआ है, इसका मतलब एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव का मतलब हो गया एक्स प्लस वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है इसका मतलब क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस फाइव का होल क्यूब इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ एक्स वाई इंटू फाइव। देखो एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू दिस, तो दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 125 इज इक्वल टू 15xy। इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 15xy प्लस 125 किसके इक्वल आ गया। इसका मतलब आपसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। आपने क्वेश्चंस को यहाँ से स्टार्ट करना है, एक्स प्लस वाई माइनस फाइव, तो इसमें आपके पास ये रिजल्ट्स आपके पास आ जाएगा, इसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा एक्स प्लस वाई, मतलब रिजल्ट यही लगाना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो वही टर्म्स आपने शिफ्ट कर दी, 15xy को हम इधर ले आए तो उधर जीरो आ गया, तो फाइंड द वैल्यू मीन्स दिस इज जीरो। तो इन्हीं दो कंडीशंस के ऊपर, इन दो फार्मूलों के ऊपर मैंने सिक्स साइन दिए, इसमें ही आप ये कर लीजिए, इससे आपकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस हो जाएगी।